हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप पहले पबजी खेला करते थे, अब जो नया वर्जन आया है एक जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसके अंदर में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो दोस्तों, आप जैसे पबजी मोबाइल इंडिया आप मोबाइल में इंस्टॉल करके खेलते थे उसके जो अंदाज में आप इसको खेलते थे, और यह जो नया वर्जन आया है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसके जो नया अंदाज खेलने के लिए वो बहुत सारा अंतर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अंतर है वो क्या सारा अंतर है, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा इसके जो बैटल ग्राउंड इंडिया और पबजी के जो बीच में जो डिफरेंस है उसको ऊपर कुछ पॉइंट्स दूंगा, जिसको आपको पता चल जाएगा कि आप जो बैटल ग्राउंड इंडिया आप खेलोगे और पहले जो पबजी मोबाइल इंडिया खेलते थे उसका बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंटर देखना और ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि प्यार और सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल के लिए बहुत ही जरूरत है, जो कि मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए मदद कर सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सके कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर सकूँ, जिससे कि आपका कुछ हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टॉक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि तो जो वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होता रहेगा आपका पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पबजी और जो बैटल ग्राउंड इंडिया जो नया एप्लीकेशन आया है उसके डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को एंटर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, जिससे कि आप जान पाओगे कि जो पबजी आप पहले से खेलते थे और उसके बाद जो नया एप्लीकेशन आ रहा है जो बैटल ग्राउंड इंडिया, उसके बीच में जो सारे डिफरेंसेस है वो क्या है और ये जो डिफरेंस है वो कितने ज़्यादा अच्छे डिफरेंस से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप भी मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ किकुन और आप देख रहे हैं टॉक टेक्नोलॉजी चैनल। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो बैटल ग्राउंड इंडिया और जो पबजी है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे कुछ सेवरल डिप्स के बारे में, यानी कि किसी कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि जो पबजी और जो बैटल ग्राउंड इंडिया है उसके बीच के जो डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है इंडियन सर्वर, यानी कि आप जो पहले जो पबजी का एप्लीकेशन में आप पबजी खेलते थे और वो था चीन का सर्वर, टोटल उसके चीन का सर्वर उसमें लोड था, यानी कि आप जब जो भी इंडियन जो बंदा है वहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता था अपने मोबाइल में, और उसके बाद उसका सारे पर्सनल डेटा जो है इसमें इनपुट करके वो आप उसका अकाउंट ओपन करके इस पर खेलने के लिए शुरू करता था, तो उसका जो सारे पर्सनल डेटा है वो चीन के सर्वर में सेव हो जाता था, जिसके थ्रू उसका भी लीक होने का बहुत ज़्यादा संभावना होता था। तो इंडियन का गवर्नमेंट जो है वो उसको नज़र में रखते हुए वो ये जो पबजी का एप्लीकेशन को वो बैन कर दिया गया है, जो पहले लॉकडाउन से जो है एक साल के पहले जो पबजी का जो एप्लीकेशन है वो बैन कर दिया गया है, और ये जो नया एप्लीकेशन आया है बैटल ग्राउंड इंडिया, ये टोटल जो है इंडिया का सर्वर ऊपर बेस है, ये इसको आप अलग कंट्री का कोई भी सर्वर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इंडिया का जो सर्वर यहाँ पर बेस हुई। तो जब आप इसको खेलने के लिए जाते थे, यानी कि जो बैटल ग्राउंड इंडिया को जब आप इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में खेलने के लिए, आप जो भी सारे पर्सनल डाटा दोगे वो सारे जाकर इंडिया सर्वर में सेव हो जाएगा, और आपका पर्सनल डाटा जो है वो लीक होने का संभावना भी नहीं होगा। तो ये था पहला जो डिफरेंस टिप्स। सेकेंड जो डिफरेंस टिप्स है वो है जो आप देखने थे कि जो पबजी में पहले जो कैरेक्टर्स सारे आते थे वो नंगा आते थे, यानी कि जो है वो नेकेड आते थे, यानी कि उसका शरीर पर कोई भी ड्रेस नहीं था। तो ये जो नया एप्लीकेशन में जो आया है बैटल ग्राउंड इंडिया, यहाँ पर आपको जो सारे प्लेयर्स है यानी कि जो सारे कंटेस्टेंट है जो उनका कैरेक्टर है वो आपको नंगा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका गेम प्ले शुरू होगा वहाँ से आपका जो कैरेक्टर है उसको ड्रेस पहले से ही पहना दिया जाएगा होगा। तो ये जो सेकेंड डिफरेंस है वो है ड्रेस के मैटर में, यानी कि आपका जो पहले जो आप पबजी खेलते थे वहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है वो नंगा आता था, और ये जो मॉडिफाई होकर आया है जो बैटल ग्राउंड इंडिया, यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है वो पहले से ही ड्रेस पहनकर आया होगा। तो ये था सेकेंड नंबर टिप्स। और थर्ड जो टिप्स है वो है लिमिटेड टाइम के लिए आपको खेलना जो है नया अपडेट आया है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए इस गेम प्ले कर पाओगे। तो आप जानते होंगे कि पहले जो पबजी का एप्लीकेशन था वहाँ पर जो भी बच्चा हो या फिर जो भी बंदा हो वो जब खेल के लत लगा लेते थे वो खाना पीना भी छोड़ देते थे इस खेल को खेलने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या जो इंडिया गवर्नमेंट है इसको नज़र में रखते हुए ये जो नया एप्लीकेशन आया है बैटल ग्राउंड इंडिया, यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम के लिए आप गेम प्ले कर सकते हो। अगर आपका उम्र जो है वो 18 साल के नीचे है तो आप एक दिन में थ्री आवर से ज़्यादातर खेल नहीं पाओगे, यानी कि आपका जो गेम प्ले है वो 3 घंटा तक ही आप गेम प्ले कर पाओगे। अगर आप 18 उम्र से
ऊपर ज़्यादा हो तो आप कुछ देर अधिक टाइम के लिए खेल पाओगे, यानी कि 6 से 7 घंटा आप खेल पाओगे। उसके ज़्यादा ये जो एप्लीकेशन है वो आपका मोबाइल में रन नहीं करेगा। ये गया थर्ड टिप्स। और जो फोर्थ टिप्स है वो है, आप जब आप देख सकते थे कि आप जो पबजी मोबाइल इंडिया था उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते थे, पहले जो पबजी आया था उसके आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते थे, किंतु ये जो नया अपडेट आया है यानी कि नया जो एप्लीकेशन आया है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, यहाँ पर आपको लिमिटेड जो है आपको मनी स्पेंड करने के लिए मिलेगा। तो जब आप इस गेम को इंस्टॉल करके यहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए जाते थे तो आप जानते थे कि पबजी में बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ आता था कि जो बच्चे हैं वो आप उनका माता पिता से पर्स से या फिर बैंक से पैसा चुरा करके यहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करके आपका उसका जो गन है या फिर ड्रेस ड्रेस कोड है उसको अपडेट कर लिया करते थे। अब ये जो नया एप्लीकेशन आया है बैटल ग्राउंड इंडिया, इसको आप 7000 यानी कि 7000 से ऊपर आप यहाँ पर से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप जो भी आपका लाइफ टाइम में जितने दिन आप इस एप्लीकेशन में आप गेम प्ले करोगे वहाँ पर आप सिर्फ 7000 तक ही आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप इसको खरीद सकते हो। आपका जो सारे जो ड्रेस कोड है या फिर आपका जो वेपन सारे है इसको आप 7000 तक ही आप इसको खर्च करके यहाँ पर आप उसको अपडेट कर सकते हो। ये गया फोर्थ पॉइंट। और जो फाइव पॉइंट है वो वायलेंस के ऊपर बेस है, यानी कि आपको देख सकते हैं जो पबजी पहले जो खेला जाता था वहाँ पर आपको वायलेंस से ज़्यादा दिखने के लिए मिल जाता था, यानी कि आप जब कोई एनिमी को किल करने के लिए जाते थे वहाँ पर आपको ब्लड साइन बहुत ज़्यादा दिखने के लिए मिल जाता था। और जो स्पॉट जो हेडशॉट है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लड साइन देखने के लिए मिल जाता था। पर ये जो नया अपडेट आया है यानी कि नया जो एप्लीकेशन है बैटल ग्राउंड इंडिया, यहाँ पर आपको जो रेड साइन के बदले में यहाँ पर आपको पीला साइन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपको येलो साइन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आपको ब्लड जो है उसका जो कलर है वो रेड देखने के लिए मिल जाता था, यहाँ पर आपको जो येलो कलर देखने के लिए मिल जाएगा। और आप जब हेडशॉट लगाने के लिए जाते हो तो आपको ग्राफिक्स जो है वो ब्लोर कर देगा, यानी कि आपका जब आप परफेक्ट हेडशॉट लगाते हो वहाँ पर आपका स्क्रीन जो है वो ब्लोर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे हेडशॉट लगा सकते हो। दोस्तों ये जो था फाइव टिप्स, यानी कि जो पहले था आपका जो इंडियन सर्वर, दूसरा जो था जो नेकेड कैरेक्टर, तीसरा जो था लिमिटेड जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, फोर्थ जो था आप लिमिटेड टाइम के लिए इसको खेल सकते हो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस पर और टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, और फिफ्थ जो था वो है कि आपका जो बैलेंस है आप पहले पबजी मोबाइल में देखने के लिए मिल जाता था यहाँ पर आपको कम देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो पहले जो पबजी खेलते थे और बाद में अब जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है बैटल ग्राउंड इंडिया, यहाँ पर आपको जो भी सारे डिफरेंस मैं बताए हूँ ये जो सारे है वो बहुत अच्छा अच्छा डिफरेंस है आपका पबजी के मुताबिक। यहाँ पर आप जब चाहे आप गेम प्ले कर सकते हो और आपके मन चाहे भी आप इसमें ज़्यादातर समय तक आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, आपका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही आप इसको खेल पाओगे। ये जो सारे डिफरेंस है यानी कि जो सारे अपडेट आ गए हैं ये जो पबजी के मुताबिक, वो बहुत सारे अच्छा अच्छा अपडेट जो है वो आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो पबजी और जो बैटल ग्राउंड इंडिया उसके बीच में जो डिफरेंस है मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। आई होप आप सब समझ गए होंगे और आप भी क्लियर हो गए होंगे कि ये जो पबजी में पहले जो सारे रूल्स था और ये जो बैटल ग्राउंड इंडिया नया है वो सारे जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी टिप्स को नहीं समझ पाए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि ये जो सारे डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल बनना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सेट करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।